एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम लेकर आए हैं फोकेशिया ब्रेड सैंडविच। मैं आपको ये दिखाऊं, ये बेकरी स्टोर्स पे अवेलेबल है, नो प्रिजर्वेटिव्स हैं। अच्छी ब्रेड लीजिए, हेल्दी ब्रेड है। ये देखिए, इस टाइप की इस पैकेट में से निकली है। मैं हाफ ही यूज करने वाली हूँ आज। और ये है बटर, टोमेटो स्लाइस, खीरा स्लाइस है चीज के, हम ब्लैक पेपर और सॉल्ट यूज करेंगे। टोस्टर हमने गर्म होना रख दिया है। आइए शुरू करते हैं यम्मी से सैंडविच। ये ब्रेड हमने हाफ कट कर ली है और अब हम इसको इस तरह से बीच में से कट करेंगे क्योंकि सैंडविच बनाने हैं। ये देखिए, हमने इस तरह से बीच में से कट कर ली है इसको। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर ये बटर जो हमने ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पर कर लिया है, तभी वो आसानी से लग पाता है बटर। अदरवाइज आप माइक्रो भी कर सकते हैं कुछ सेकंड के लिए। तो अच्छे से बटर लगाएंगे। मैं इसमें चीज स्लाइस के अलावा और कोई चीज नहीं डाल रही हूँ, मोजरेला या फिर आप प्रोसेस चीज डाल सकते हैं, मैं भी बनाती हूँ। बट ये सिंपल वाले खाकर देखिएगा, लाइट भी रहेंगे खाने में और चेंज भी लगेगा आपको। और ये देखिए, हमने इस पे बटर लगा लिया है दोनों पर अच्छे से। और ये जो टोमेटो खीरा स्लाइस है ना, इनके ऊपर अच्छे से ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट डाल लें। इसका फ्लेवर जो है ना ब्लैक पेपर का बहुत अच्छा आता है। ये घर की कुटी हुई है तो आप कोशिश कीजिए कि कुटी हुई ब्लैक पेपर डालें। और हम कुछ नहीं डाल रहे हैं इसमें। और ये लगा रहे हैं हम खीरे के स्लाइस। अब हम इस पे रखेंगे चीज स्लाइस, कट कर लेंगे इसको ताकि वो बाहर ना निकले बिल्कुल भी। अब चीज के ऊपर लगाएंगे टोमेटो स्लाइस। मतलब जब भी कभी लाइट ऐसे आपको खाने का मन है ना, तो ये बेस्ट ऑप्शन है, आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। अच्छे से टोमेटो, कोकुम्बर, चीज लगा दीजिए। और अब हम इसको करते हैं पैक। हल्का सा ऊपर भी इसके बटर लगाएंगे और बहुत क्रिस्पी नहीं करना है इसको, सॉफ्ट ही रखना है। ये देखिए, हमने रख दिया है इसको। पहले से टोस्टर हमने गरम कर लिया है। हर हमेशा जब भी सैंडविच बनाए ना, पहले से टोस्टर गरम कर लें। और ये ब्रेड ऑलरेडी अपने आप में बहुत सॉफ्ट होती है, तो जब भी आप लेकर आए इसको फ्रेश ही बनाए। तो इसको करते हैं बंद टोस्टर को और सिकने की इंतजार करते हैं। ये मेरा बोरोसिल का टोस्टर है और बहुत अच्छा इसमें बन रहा है। मैंने ऑलरेडी इसका रिव्यू और अनबॉक्सिंग डाली हुई है। ये देखिए, हमने इसको घुमाकर भी एक बार हल्का सा कर लिया, बस ऐसे बहुत क्रिस्पी नहीं करना है। तो ये रेडी है, कट कर लेंगे ब्रेड को। तो ये देखिए, हमारे यम्मी से सैंडविच बनकर तैयार हैं। ट्राई जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।